नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। और ये खबर उन लोगों के लिए है जो हजारों रुपए खर्च करके मेडिक्लेम की फैसिलिटी लेते हैं और बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों की जेबें भरते हैं। जी हाँ, अगर आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए मेडिक्लेम लेते हैं और उसके लिए बकायदा आप प्राइवेट कंपनीज की जेबें भरते हैं तो अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा सरकार हरियाणा के हर शख्स को तोहफा देने वाली है। और हरियाणा सरकार देश की पहली ऐसी सरकार बनने वाली है जो अपने प्रदेश में रहने वाले एक एक नागरिक का मेडिक्लेम करवाएगी। यानी कि यदि आप हरियाणा में रहते हैं और आप सरकार की इस पॉलिसी को अपनाते हैं तो आपको मेडिक्लेम मिलेगा, और वो भी कम नहीं, पूरे 5 लाख का मेडिक्लेम। ये जो फैसिलिटी है ये 1 अप्रैल से सरकार लागू करने वाली है। यानी कि अब हरियाणा का हर आदमी प्रदेश के अंदर लगभग 1100 बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करा पाएगा। हम इस समय अम्बाला शहर के हीलिंग टच यानी कि पार्क हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। यानी कि ऐसे बड़े अस्पताल में भी अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो आपको हरियाणा सरकार द्वारा लागू की जाने वाली इस मेडिक्लेम पॉलिसी का हिस्सा बनना है, और आप ऐसे बड़े अस्पतालों में भी अपना इलाज फ्री में करवा पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी जेबें ढीली नहीं करनी पड़ेगी। हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार एक बढ़िया मेडिक्लेम फैसिलिटी पूरे हरियाणा के लोगों को देने जा रही है। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो हैं वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। और एक बार फिर हम आपको बता दें, जो दर्शक हमारी ये खबर देख रहे हैं, जो लगातार मेडिक्लेम फैसिलिटी लेते हैं, जो मेडिक्लेम लेने के लिए हजारों रुपए हर साल खर्च करते हैं, उनके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। क्योंकि अब उनको बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों को मेडिक्लेम के नाम पर मोटा पैसा नहीं देना पड़ेगा। हम आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने एक नई पॉलिसी लागू की है जिसके तहत 1,80,000 रुपये से कम आय वाले लोगों को 5 लाख तक का निःशुल्क पारिवारिक बीमा मिलेगा। यानी कि अगर आपकी आय 1,80,000 से कम है तो पूरे परिवार को 5 लाख का निःशुल्क बीमा मिलेगा। यदि पूरे परिवार की आय 1,00,000 से 3,00,000 तक है तो आपको सिर्फ 1,500 रुपये देने हैं, और आपके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य की जो बीमा है वो 5 लाख हो जाएगा। यानी कि पूरा परिवार मिलकर 5 लाख तक के बीमे का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपकी आय 3,00,000 से 6,00,000 तक है तो आपको 4,000 रुपये देना है। यानी कि पूरा परिवार उस 4,000 रुपये में 5 लाख के लिए बीमा करवा सकता है। और यदि आपकी आय 6 लाख से ऊपर यानी कितनी भी हो, भले ही 6 लाख हो, भले ही 60 लाख हो, भले ही 60 करोड़ हो, तो सिर्फ 5,000 रुपये दे के आपका पूरा परिवार 5 लाख रुपये के उस बीमे का हकदार होगा। ये अंशदान देकर आप बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के मोटे मोटे बिलों से बच सकते हैं। बहरहाल सरकार ने ये स्कीम लागू कर दी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसी बड़े अस्पताल में हैं ये लोग, इनसे जानते हैं कि आखिरकार जो सरकार ने इस तरीके की पॉलिसी लागू की है इसको ये किस तरीके से देखते हैं। सिंह साहब, क्या नाम है आपका? ओपी सिंह। ओपी सिंह जी, सरकार ने ये पॉलिसी लागू की है, इसको आप किस तरीके से लेकर देखते हैं? बहुत बढ़िया पॉलिसी की है जी। जो भी मुलाजिम के हिसाब से या वैसे इकोनॉमिक इनकम के हिसाब से जो पॉलिसी लागू की है, बहुत बढ़िया पॉलिसी लागू की है, तो हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। अभी बड़े बड़े अस्पतालों में मोटे बिल देने पड़ते हैं, जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, क्या लगता है ये पॉलिसी लागू होने के बाद क्या होगा? इस पॉलिसी लागू होने से बहुत ज़्यादा फायदा होगा परिवारों को। जो भी पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे, पॉलिसी को एक्सेप्ट करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा इससे फायदा होगा। क्योंकि आपने कितने अस्पताल बताए? लगभग 1100 अस्पताल हैं जहाँ इलाज करा पाएंगे। हाँ, 1100 अस्पताल हैं, तो कोई भी वो बीमारी के हिसाब से जहाँ भी वो उसको रिकमेंड करेंगे वहाँ हो जाएगा, उसको बड़ा फायदा होगा इसमें। हाँ, बहुत सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है ये। बिल्कुल, लोगों को जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसी लागू की उसमें कुछ ही पैसे देकर, कुछ अंशदान देकर 5 लाख तक का बीमा मिलने वाला है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा बीमा हमारे लिए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो भी फैमिली होगी उसके लिए बहुत अच्छा होगा ये 5 लाख तक का बीमा कर रहे हो तो। जैसे आपने कहा कि 3 लाख का, जैसे 3 लाख तक बंदा कमा रहा है, जैसे इनकम है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है जी। हमारे लिए तो गरीब आदमी के लिए अच्छा है,
गरीबों को फायदा होने वाला, बड़े बड़े अस्पतालों में इलाज कराने जाएंगे, हमें ही फैसिलिटी मिलेगी उस चीज़ की, तो हमें ही फायदा होगा उसका। बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो फायदा होने वाला है। एक बुजुर्ग यहाँ पर खड़े हैं, क्या नाम है जी आपका? नाम सिंह। गुरनाम जी, सरकार जो है जिस तरीके से ये बीमा देने जा रही है हरियाणा के लोगों को, क्या लगता है क्या फायदा होगा? बहुत अच्छा है, बहुत फायदा होगा। अगर ये गारंटीड होगी तभी है फायदा होगा, फायदा तो ठीक है बिल्कुल। हर एक गरीब आदमी अपना पैसा लगा सकता है, उसका फायदा उठा सकता है, अच्छी स्कीम है। सरकार ने बड़े बड़े 1100 अस्पताल चुने हैं, किसी भी अस्पताल में जाकर सिर्फ कार्ड दिखाकर आप इलाज करा सकते हैं। आपको लगता है गरीबों के लिए खास तौर पर ये फायदा है? गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा फायदा है ये, जो ज़्यादा पैसा नहीं खर्च सकते उनके लिए बहुत फायदा है ये। तो बिल्कुल लोगों का भी यही कहना है कि सरकार की ये पॉलिसी जो है वो बहुत काम करेगी, गरीबों को खास तौर पर बहुत फायदा होगा। फिलहाल इस पॉलिसी को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है वो हमें जानकारी दे रहे हैं। अनिल विज क्या कह रहे हैं ये आपको वो जरूर सुनवा देते हैं। मेडिक्लेम सुविधा मिलने वाली है, क्या कुछ किस तरीके से काम करेगी? हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर आयुष्मान कार्ड का लाभ हरियाणा का हर नागरिक ले सकता है, उसकी चाहे कोई आय हो चाहे उसकी कोई आयु हो। इसमें 180,000 तक तो बिल्कुल मुफ्त है, 180,000 से अगर आमदन 3,00,000 तक है तो 1500 रुपये जमा करा के वो अपना कार्ड बनवा सकता है। अगर 3,00,000 से 6,00,000 तक है तो 4,000 रुपये जमा करा के वो अपना कार्ड बनवा सकता है, और 6,00,000 से ऊपर किसी भी सीमा तक अगर है तो वो 5,000 रुपये जमा करा के अपना कार्ड बनवा सकता है। इसमें कार्ड से उसके परिवार की 5,00,000 रुपये तक का इलाज वो एम्पैनल्ड जो हमारे अस्पताल हैं हरियाणा में लगभग 1100 अस्पताल हैं उनमें किसी भी अस्पताल में जाके वो अपना इलाज करवा सकता है। तो ये थे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जिन्हें आप सुन रहे थे, जिन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरीके से ये पॉलिसी काम करेगी, कितने जो फैमिली इनकम है, कितनी फैमिली इनकम वाले लोगों को जो है कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये सब अनिल विज ने विस्तार से बताया। और हम भी मानते हैं कि अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है और इसे पूरी तरीके से हरियाणा के प्रत्येक परिवार तक पहुँचाया जाता है तो अब हरियाणा के अंदर लोगों को, इंश्योरेंस कंपनियों को मोटे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, यानी अपनी जेब देने ढीली करने की जरूरत नहीं है। बहुत कम पैसों में उनको 5,00,000 रुपए तक का मेडिक्लेम जो है वो मिल जाएगा। आप हमारी ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें ताकि सरकार की मिलने वाली इस सुविधा को ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो अपना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप जुड़े रहें हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से हमारी ऐप अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर डाउनलोड करें।